अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स वन। तो आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस ऑफ स्पिन एंड वी विल डिस्कस इट बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट नोन एज स्टर्न-गर्लॉक एक्सपेरिमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी, तो आज हम उसको इस एक्सपेरिमेंट में फर्दर डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली वेरिफिकेशन है कि स्पिन एग्जिस्ट करती है, और ये कंफर्म किया था स्टर्न और गार्लिक ने। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1922 में किया था। वो बेसिकली करना कुछ और चाहते थे लेकिन उनसे हो कुछ और गया। सो उनका अल्टीमेट गोल था कि वो क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल को डिफाइन करना था उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सीडेंटली उन्होंने ये देखा कि उन्होंने स्पिन की क्वांटाइजेशन को फाइंड कर लिया, और इस प्रोसेस पे उनको तकरीबन 4 से 5 साल लग गए। तो देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सिल्वर एटम लिए, एजी एटम्स, जिसके 47 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ग्राउंड स्टेट में, और 46 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउट ऑफ दिस 47 वो पेयर होते हैं, और जो बाकी का जो एक बचता है 47th इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर रह जाता है। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये एजी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एसपीडीएफ के हिसाब से। सो टिल द फर्स्ट फोर ऑर्बिट्स ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर हो जाते हैं आपस में, और जस्ट जो फिफ्थ वाला है ये एक इलेक्ट्रॉन ये रह जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ 5s स्टेट में रह जाता है, इसको कुछ इस तरह से डिपेंड किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जस्ट सिंगल नहीं हो सकता, ये इसकी स्पिन अप हो सकती है या इसकी स्पिन डाउन हो सकती है। तो ये दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन अप और डाउन हो सकती है। तो कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो कि उसके 5s ऑर्बिटल में रहता है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो जीरो होना चाहिए, एल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि आपने मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब एस ऑर्बिटल में होते हैं तो एल की जो वैल्यू है वो जीरो होती है। फॉर एस ऑर्बिटल द टोटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाता है जी, जीरो हो जाता है। तो ये एक कन्फर्म बात थी, तो उनको पता था कि एल की वैल्यू जीरो है, तो वो जस्ट इसको कंफर्म करना चाहते थे अपने एक्सपेरिमेंट से। सो जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है हम उसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ब्लॉक स्फीयर है, उसकी स्पिन को बेसिकली ब्लॉक स्फीयर से हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। और ये आपको एक मैग्नेटिक मूवमेंट नजर आ रहा होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ये जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है इस पूरे ब्लॉक स्फीयर में ये रेंडमली रोटेट कर सकता है। सो द ओरिएंटेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी इन एनी डायरेक्शन अलोंग दिस स्फीयर, अलोंग एक्स वाई जी एनी डायरेक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट में इसका स्पेसिफिकली क्या पर्पज है, वो कहते हैं सबसे पहले वो एजी एटम्स की जो है वो एक बीम पास करवाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। इनमें डिफरेंस क्या है वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर एटम्स के जो एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिटल मोमेंटम वो वी वुड एक्सपेक्ट दैट द बीम टू स्प्लिट बाय नंबर ऑफ m इज इक्वल टू 2l+1। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर हमें ये डिफाइन करना हो तो l की वैल्यू का हम यहाँ पुट करेंगे। सो इन आवर केस l इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, that will be 2 multiplied by 0, 0, 0 plus 1 is equal to 1, so m will be equal to 1, तो ये ml है basically, so m की value 1 आएगी, इसका मतलब ये है 1 spot, इस बात को आपने याद रखना है, 1 spot, तो अगर l 0 होगा, तो screen के ऊपर एक spot आना चाहिए, means that there would be only 1 spot on the screen। तो उन्होंने experiment में कुछ इस तरह से किया, ये नंबर ऑफ एजी एटम्स आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं
कि उनके अंदर ये मैग्नेटिक मोमेंट की ओरिएंटेशन है जो कि डिफरेंट होती है हर एटम के अंदर, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। और ये है हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल जिसके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट की हुई है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हमने जो पोल्स हैं इनकी जो शेप है वो डिफरेंट रखी है। तो इससे कहीं पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहीं पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो जब ये एजी एटम उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा जैसे ही, तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दिस वन, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा, राइट? तो जब वो अलाइन करेगा तो वो जिस नियरेस्ट अप्रोच में होगा उसकी, यानी कि रैंडम डायरेक्शन होती है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो नियरेस्ट जो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के करीब होगी वो उसमें डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा। तो इन अपर पिक्चर आप देख रहे हैं कि ये अपर डायरेक्शन में अलाइन हो गए, एंड इन लोअर पिक्चर आप देख रहे हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट लोअरिंग साइड पर थी तो ये लोअर डायरेक्शन में अपने आप को उसने अलाइन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म थी, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक। तो इस तरह से जो अपवर्ड डायरेक्शन वाले एजी एटम्स हैं वो एक अलग स्क्रीन पर जाकर हिट करेंगे, अलग स्पॉट पर जाकर हिट करते थे, और जो लोअर मैग्नेटिक मोमेंट जिन्होंने अलाइन किया है फील्ड के अकॉर्डिंग वो एक और स्पॉट पर जाकर हिट करेंगे। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं और अपनी स्पिन को अलाइन करते हैं विद नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और डिफरेंट स्पॉट्स पर जाकर स्क्रीन पर हिट करते हैं। अब स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन वो ये देखना चाहते थे कि स्क्रीन के ऊपर एक स्पॉट आना चाहिए, क्योंकि एल जीरो है, एल जीरो है तो एम एल की वैल्यू जो है वो वन होगी, और इसके वन का मतलब है कि वन स्पॉट ऑन द स्क्रीन। तो जब उन्होंने कुछ देर बाद एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऑब्जर्व किया तो उनके पास ये रिजल्ट आया। ये छोटे 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 डॉट्स जो हैं ये बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं जो वो स्क्रीन पर जाकर हिट हुआ। तो अब देख लें कि या ये एक स्पॉट रीजन आ रहा है या ये एक स्पॉट रीजन आ रहा है, तो ये दो डिस्टिंक्ट रीजन आ रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली हिट करता रहा है। तो बेसिकली इनमें से एक स्पॉट जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एजी एटम्स का है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जिन्होंने अपनी स्पिन को अलाइन किया हुआ था उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी स्पिन अपवर्ड थी, और ये लोअर स्पॉट जो है आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये उन एजी एटम्स का है जिनमें इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलाइन कर लिया था, तो जिसकी वजह से स्क्रीन पर इस तरह का एक पैटर्न मिला ये हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो कि स्पिन अप और स्पिन डाउन के पैटर्न को शो कर रहा था। तो जिसका ये मतलब हुआ कि हमें स्क्रीन के ऊपर दो डिफरेंट स्पॉट्स मिले रादर देन ओनली वन स्पॉट ऑन द स्क्रीन, दे हैव ऑब्जर्व टू स्पॉट्स ऑन द स्क्रीन। सो दिस वाज द कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। तो इसको वो दो तीन साल तक कॉन्टिन्यूसली वो इस पे वर्क करते रहे और फाइंड आउट करते रहे कि ये दो स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं, एक स्पॉट आना चाहिए, और वो इसको कई उन्होंने डिफरेंट मेथड्स टेक्निक्स डिस्कशंस दे हैव ट्राइड एवरीथिंग दे कुड, लेकिन वो रिजल्ट पर नहीं पहुंच सके। एंड फाइनली दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ स्पिन जो कि थ्योरेटिकली पहले एक पेपर में डिस्कस की गई थी बाय डायरेक, तो जब उन्होंने उस कंसेप्ट को अपने रिजल्ट से मैच किया तो उनको तब आइडिया हुआ कि वाकई ये स्पिन है जो कि अप और डाउन की शक्ल में हमारे पास आ रही है, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन है जो कि एजी एटम के 5s ऑर्बिटल में मौजूद है। तो इनके डिटेल एक्सपेरिमेंट की जो कंप्लीट पिक्चर है वो कुछ इस तरह से है। ये एक ओवन है जिसके अंदर एजी एटम्स को वो हीटअप करते हैं अराउंड 1000 डिग्री पे, और जब वो हीट अप होते हैं तो उनकी एक लेयर सी निकलती है जेटी एटम्स की, और ये एक स्लिट है जिसमें से वो पास होते हैं ताकि वो यूनिट डायरेक्शन रहें, और फिर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं और स्क्रीन पर ये दो डिफरेंट स्पॉट प्रोड्यूस करते हैं। और ये इसकी स्कीमेटिक पिक्चर आप इस तरह भी देख सकते हैं, और ये एक पिक्चर है उसके स्पिन के हवाले से, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के हवाले से। ये एस एक्स वाई ये स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है,
उसके जैसे हमने एल एक्स वाई पढ़ा था, और ये प्लस वन बाय टू और माइनस वन बाय टू ये उसकी आइगन वैल्यूज हैं फॉर एस इज इक्वल टू वन बाय टू, एस की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस वन बाय टू है, और ये जो थ्री बाय अंडर रूट थ्री बाय टू एच कट है ये बिल्कुल उस फार्मूले से है जैसा कि हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए पढ़ा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, जो कि हमारे पास आता था इन द फॉर्म ऑफ एन आइगन वैल्यू, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ इसको हमने बेसिकली एस इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन एच कट के हिसाब से इसको सॉल्व किया है, तो तब ये अंडर रूट थ्री बाय टू एच कट है। सो वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर, आई होप के आपको समझ आई होगी। सो कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।